फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खबर बॉलीवुड इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फिल्म अमर सिंह चमकीला फिल्म में दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा लीड रोल में हैं, जबकि फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है इम्तियाज अली ने पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की जिंदगी को फिल्म में दिखाया है आइए जानिए कैसी है ये फिल्म जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तो ये कहानी है पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की पंजाब के ओरिजिनल रॉक स्टार कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला ने 20 साल की उम्र में अपने गानों से धूम मचा दी थी महज सताईस साल की उम्र में उनका कत्ल कर दिया गया था फिल्म में चमकीला की ज़िंदगी के अहम पड़ावों को दिखाया गया है इम्तियाज़ अली ने कहानी को चित्रों और इमोशन के ज़रिए भी दिखाया है इस तरह से उन्होंने अच्छे से चमकीला की लाइफ को पर्दे पर उतारा है हालांकि वो चमकीला की ज़िंदगी के बारे में कोई नई बात पेश नहीं कर पाते हैं जितना उन्होंने दिखाया है वो कहानी उनके चाहने वालों को ज़रूर पता होगी लेकिन फिर भी यहाँ इस पंजाबी सिंगर उनके गानों और उनके कुछ पड़ावों को स्क्रीन पर देख बहुत अच्छा लगता है यहाँ डायरेक्शन की बात करें तो इम्तियाज़ अली जब भी मैट और रॉकस्टार जैसी फिल्में बना चुके हैं उनकी पिछली दो फिल्में जब हैरी मैट सेजर और लव आजकल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी थी और इस बार उन्होंने हाथ आसमाया है ओ टी टी पर उन्होंने टॉपिक अच्छा चुना है और उस दौर के पंजाब को अच्छे से पर्दे पर उतारा भी है वह यहाँ उन्हें चमकीला की कहानी जितनी भी मिली उसे दिखा दिया फिल्म की लेंथ यहाँ थोड़ी कम की जा सकती थी बाकी सब ठीक ठाक है ये इम्तियाज की एक अच्छी कोशिश रही वेल यहाँ बात करें एक्टिंग की तो दिलजीत दो चमकीला के करेक्टर में नज़र आए हैं वो इस कैरेक्टर में गहराई तक उतरे हैं और करेक्टर की बारीकियों को भी उन्होंने अच्छे से पकड़ा है उनके एक्सप्रेशन भी शानदार हैं अमरजोत के करेक्टर में परिनिधि चोपड़ा ने उनका अच्छा साथ दिया है वैल well, यहाँ बात करें फिल्म देखने या ना देखने की तो जो चमकीला के फैन हैं जिन्हें चमकीला के गाने पसंद हैं जो दिलजीत दो साझ को शानदार एक्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं और जो पंजाब के इस सिंगर के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये एक अच्छी फिल्म है और अगर आप चमकीला के बारे में कुछ नया जानने की उम्मीद करते हैं तो निराशा हाथ लग सकती है कुल मिलाकर इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखा जा सकता है तो फ्रेंड ख़बर बॉलीवुड की ओर से यह था आपके लिए चमकीला मूवी का रिव्यू अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू